अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वनीजा और आप देख रहे हैं किचन विद वनीजा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बैंगन का भुर्ता। तो जल्दी से देखते हैं हमें इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। एक बड़े साइज़ का प्याज लेंगे, धनिया लिया है गार्निशिंग के लिए, 3 हरी मिर्चें, 2 अदर टमाटर, 2 बड़े साइज के बैंगन, 1 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून सूखा धनिया, हल्दी 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 कप ऑयल। तो ये थी हमारी सारी चीज़ें, तो अब जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चूल्हा ऑन करेंगे, इस पे ग्रिल रखेंगे और अपने प्यारे प्यारे से बैंगन को ग्रिल कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद बैंगन की साइड्स को चेंज करते रहेंगे ताकि हमारे बैंगन हर तरफ से अच्छी तरह ग्रिल हो जाएं, अच्छी तरह पक जाएं। स्मोकी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो माशाल्लाह से बैंगन हमारे ग्रिल हो चुके हैं। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हाथ की मदद से गर्मा गर्म बैंगन का छिलका उतार लेंगे। बैंगन को कांटे की मदद से अच्छी तरह मैश कर लेंगे। अब सबसे पहले हम प्यारी सी कढ़ाई में ऑयल शामिल करेंगे, ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म होने पर इसमें प्याज शामिल करेंगे, प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें लहसुन का पेस्ट होता है वो शामिल करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। अब थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि लहसुन नीचे ना लगे और फिर से इसको मिक्स कर लें। अब हम इसमें सारे मसाले शामिल करेंगे। तो सबसे पहले नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी। अब हम इन तमाम मसालों को तकरीबन 1 मिनट के लिए अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब चॉप हुए हुए टमाटर शामिल करें और मसाले को अच्छी तरह भून लें। मसाले की भुनाई हमारी हो चुकी है। अब हम इसमें हरी मिर्चें शामिल करेंगे और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब मैश हुए हुए बैंगन शामिल करेंगे। बैंगनों की थोड़ी सी भुनाई करेंगे और इसे 15 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी धनिए से गार्निशिंग करेंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। तो तैयार है हमारा ज़बरदस्त सा मज़ेदार बैंगन का भुर्ता। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की रेसिपी आप तक पहुँच सके। थैंक यू, बाय बाय।